सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की अहम बैठक होगी। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। ये बैठक संसद भवन परिसर में होगी। कांग्रेस सांसदों की भी आज अहम बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक संसद भवन परिसर में होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। बैठक में संसद में पार्टी की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सीएम अधिकारियों की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही तमाम लंबित मुद्दों पर भी अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और एक कारोबारी की बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डेंजर जोन के स्थानों को चिन्हित कर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में कई रास्ते जलमग्न हो गए, कई जगह नालियां उफान पर हैं। रामनगर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। यहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोग बारिश का मजा ले रहे हैं। रामनगर में हो रही बारिश ने एक बार फिर नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। यहां टेढ़ा नाला उफान पर आ गया, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर से कोसी बैराज से 1600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाकों समेत रामपुर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुरादाबाद की भोलानाथ कॉलोनी में जलभराव की वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ गया। दरअसल रास्तों पर पानी भर गया है, जिस वजह से लोगों के सामने आवाजाही की दिक्कत हो गई है। फिरोजाबाद में बारिश के दौरान एक गड्ढे में डूबकर युवक की मौत हो गई। युवक को परिजन अस्पताल भी लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिरोजाबाद में नगर निगम की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। बारिश के पानी की वजह से सड़क में जलभराव था, जिस कारण युवक गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर का कहना है कि एक घंटे डूबे रहने की वजह से युवक की जान गई है। झांसी में जोरदार बारिश के बाद प्रशासन के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। बारिश के पानी से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। सड़कों में पानी जमा होने के कारण लोगों को गाड़ियां चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में अचानक हुई भारी बारिश के कारण एक कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई। कटघर थाना क्षेत्र की भोलानाथ कॉलोनी में भारी बारिश के बाद भीषण जल जमाव हो गया, जिस वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नगर निगम के अधिकारी ने पानी निकालने के लिए नावों और पंपिंग सेट लगाए हैं। राजधानी देहरादून में मॉनसून की दस्तक के बाद डेंगू ने दस्तक दे दी है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। देहरादून के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसे देखते हुए सीएमओ ने भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया है। उत्तरकाशी में अलग अलग हादसों में 7 लोग घायल हो गए। राडी टॉप के पास कार खाई में गिर गई, तो वहीं एक कार सालट के पास पहाड़ी से टकरा गई। उधर एक स्कूटी सवार ट्रक से टकरा गया। हरिद्वार में रोडवेज बस और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में कई लोगों को चोट लगी है। घायलों में 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, वहां एक बस एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस आगरा एक्सप्रेसवे पर झरना नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस बस में 50 लोग सवार थे और बस उन सभी को लेकर एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। बस लखनऊ से दिल्ली की तरफ आ रही थी। हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है हादसा ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ। हादसे के वक्त 4 और 4:30 के बीच का बताया जा रहा है। आगरा बस हादसे में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस के एक यात्री के मुताबिक बस का ड्राइवर और कंडक्टर पेशेवर नहीं थे और वो छोटी दूरी के लिए बस चलाते थे, लेकिन अधिक यात्री होने के कारण उन्हें इस बस को लेकर भेज दिया गया। दोनों रास्ते भर लड़ झगड़ रहे थे। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देगी। सीएम ने डीएम और एसएसपी के घायलों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में घायल हुए इंस्पेक्टर अरुण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अरुण सहारनपुर के गंगोह में तैनात थे। आगरा हादसे पर सीएम योगी ने परिवहन आयुक्त, मंडल आयुक्त और आगरा के आईजी वाली एक समिति को 24 घंटे के भीतर घटना की जांच करने का आदेश दिया है। ये समिति दुर्घटना के कारणों को लेकर रिपोर्ट देगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी सिफारिश करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई बस दुर्घटना के बारे में ट्वीट किया। लिखा कि दर्दनाक हादसे से बहुत दुख हुआ। राज्य सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने मदद करने वाले परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आगरा हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने कहा, आगरा में हुए बस हादसे से आहत हूँ, उन परिवारों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। साथ ही पीएम ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को हर संभव मदद देने के लिए कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट कर भीषण हादसे पर दुख जताया, साथ ही सीएम योगी से बात कर घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का मुद्दा उठाते हुए मंत्री नितिन गडकरी से कहा कि इसे राज्यों पर ना डाले, हादसे कहीं भी हो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्राइवर स्पीड लिमिट का पालन नहीं करते और शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। यादव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए हैं, लेकिन ओवर स्पीडिंग पर चलाना होता है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। जुर्माना लगता है या नहीं, क्षमता से ज्यादा सवारियां भरते हैं इस पर भी जुर्माना लगता है या नहीं, इन सभी बिंदुओं की जानकारी परिवहन मंत्रालय को लेनी चाहिए। राज्यसभा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे यूपी सरकार ने बनाया है और केंद्र सरकार का इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि नोएडा प्राधिकरण इसकी देखरेख करती है और इनसे इस हादसे की जानकारी दी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर आगरा हादसे पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और घायलों का स्वास्थ्य जल्द ठीक करें। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर अफसोस जताया। प्रियंका ने लिखा कि आगरा में भीषण सड़क हादसे की खबर परेशान करने वाली है, साथ ही ईश्वर से मृतकों के परिजनों को दुख की घड़ी से जल्द उबरने की कामना की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आगरा में हुई बस दुर्घटना पर बोलते हुए कहा कि सरकार को ईमानदारी से मामले की जांच करानी चाहिए। साथ ही योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी कितनी भी समीक्षा बैठक कर ले, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र में बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया में जा घुसी। हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने कार को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र में कचहरी चौराहे पर डंपर ने दो युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र में पहली बरसात से कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबने से घर में सो रहे तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बच्चों का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम समेत राजस्व विभाग की पूरी टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। रुड़की के भगवानपुर की एक कंपनी में बॉयलर फटने से 10 लोग झुलस गए, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही, उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। गोंडा के छपिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारी की लापरवाही से एम्बुलेंस में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पूरी एम्बुलेंस आग का गोला बनकर कुछ ही पल में खाक हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी तब कर्मचारी चालक नशे में धुत थे। बिजनौर में एक शादीशुदा महिला को पति के दोस्त से प्यार हो गया। पति ने इसका विरोध किया तो उसने घर को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। आस पड़ोस के घर भी आग की चपेट में आ गए, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
फिरोजाबाद के कोटला रोड बम्बा चौराहे पर मौजूद शराब ठेके के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कुछ शराबी मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए। बात इतनी बड़ी कि एक शराबी ने डंडा निकाली और दूसरे शराबी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई का लाइव वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। मिर्जापुर में भाजपा नेता अनिल सिंह ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस ने उनकी गाड़ी रोककर चालान काटा। गाड़ी का पेपर नहीं होने पर पुलिस ने चालान कर दिया। इसके बाद नेताजी का गुस्सा फूट पड़ा। चालान से गुस्साए भाजपा नेता अनिल सिंह सड़क पर धरने पर बैठ गए। बाद में जब पुलिस अधिकारी मान मनोबल के लिए पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो एसपी के सामने कभी हाथ तो कभी पैर जोड़ने लगे। सड़क पर आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक ये ड्रामा चला। पुलिस अधिकारी मनाते रहे लेकिन नेताजी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समझाने पर आखिरकार वो मान गए। उसके बाद नेताजी धरने से उठे लेकिन लगे हाथों सीओ को वर्दी उतरवाने की धमकी भी देने लगे। भाजपा नेता के ड्रामे की वजह से सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। मथुरा के वृंदावन में बंदरों के झुंड ने एक शख्स पर अटैक कर दिया जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कैसे कुछ बंदर घर में घुसने से पहले एक शख्स पर चढ़ गए। बंदरों ने उसे जगह जगह काट लिया। कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट की। दबंगों ने घर में मौजूद महिला के साथ भी छेड़छाड़ की। मारपीट की पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर समझौता करने का आरोप भी लगाया है। सीतापुर राजस्व विभाग के बाबू की दबंगई सामने आई है। बाबू ने अपने साथी के साथ मिलकर ट्रक चालक की खूब पिटाई की। इतना ही नहीं, ट्रक चालक की डंडे और जूतों से पिटाई की गई। राहुल गांधी 10 जुलाई को अमेठी के दौरे पर जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा से स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार के बाद राहुल का ये पहला अमेठी दौरा होगा। कहा जा रहा है कि अमेठी में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान राहुल जनता से मिलेंगे, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले सकते हैं। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज पहुंचे। सीएम योगी ने 26वीं वार्षिक जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही छात्रावास का शिलान्यास और 750 किलोवाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में दलहन और तिलहन के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अगर उस पर काम चलता रहे तो दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि पीएम मोदी की वजह से भारत युवा राष्ट्र से होते हुए प्रौढ़ राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश भर में नशे के खिलाफ पैदल यात्रा करने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा ने पूर्व सीएम हरीश रावत को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा। सांसद अजय भट्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा नशा उन्हीं के कार्यकाल में फला फूला है। अब देर से ही सही, हरीश रावत को सद्बुद्धि तो आई है। उधम सिंह नगर में भाजपा की सदस्यता अभियान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से पौधारोपण भी किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में राहुल गांधी से अपील की गई है कि सिंधिया को राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाए। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रसिद्ध औद्योगिक घराने बिरला परिवार की ओर से निर्माण कार्यों को लेकर सरकार से अनुमति मांगी गई है, जिस पर सरकार ने उनसे कहा कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले इसके बारे में बताएं। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कैशियर को लूट लिया। बिजली विभाग का कैश ले जा रहे कैशियर से बदमाशों ने 3,29,000 रुपए नगद और बाकी के चेक लूट लिए और फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जेल में अराजकता पर सीएम योगी की सख्ती का असर दिखने लगा है। लखनऊ जेल में डीएम और एसएसपी ने अचानक छापा मारा। इस दौरान अधिकारियों ने आम बैरक के साथ क्वारंटाइन बैरक की तलाशी ली। औचक छापेमारी से जेल में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के जेलों में आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए वाराणसी के आला अधिकारी ने जिले जेल में छापेमारी की। कमिश्नर और आईजी ने जिले जेल में जाकर के छापेमारी की।
हरदोई जिले में डीएम और एसपी के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। जेल अधिकारी उनकी आवभगत में जुट गए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ जेल पहुंचे अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ खामियां भी मिली जिन पर डीएम ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई। मऊ के जिला कारागार में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में मिले प्रतिबंधित सामान देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। कैदियों के बैरक से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, खाना बनाने वाला हीटर, चाकू और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है। प्रतिबंधित सामान देखकर अधिकारियों ने जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और जिन बैरकों में ये सामान मिला है उन बैरकों में बंद कैदियों के नामों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही उन पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस छापेमारी से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। चंदौली में ऐसे 21 डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है जिनकी सेवा खत्म की जा सकती है। सीएमओ की तरफ से इनकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। इसमें ज्यादातर वो डॉक्टर हैं जो ड्यूटी पर नदारद रहते थे। रुड़की के मंगलौर किसान मंडी में किसान महापंचायत हुई। इस दौरान देवबंद रेल लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले पर बैठक हुई। किसान यूनियन ने कहा कि अगर 15 अगस्त तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बहराइच के कतनेरिया घाट वन्यजीव प्रभाग में एक मादा बाघिन ने चारा लेकर जा रहे किशोर पर हमला कर दिया। बाघिन के हमला करते ही आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघिन के चंगुल से किशोर को छुड़ाया। वहीं बच्चे की हालत नाजुक होने के कारण उसे लखनऊ रेफर किया गया। पिथौरागढ़ के हराली गांव के लोग कई साल से 3 किलोमीटर तक सड़क की मांग कर रहे हैं। सड़क नहीं बनने से गुस्साए ग्रामीण डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिला मुख्यालय में जुलूस निकाला। फतेहपुर के किसानों को कामधेनु योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। फतेहपुर के जरोली गांव में एक कासिर ने 200 लीटर दूध डीएम ऑफिस के सामने पलट दिया। पीड़ित किसान की माने तो कलेक्शन सेंटर में फैट चेक करने वाली मशीन से छेड़छाड़ की गई है, जिसकी शिकायत उसने जिला प्रशासन तक से की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अलीगढ़ के देहली थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम महिला का आरोप है कि भाजपा की सदस्यता लेने पर मकान मालिक ने उसके साथ अभद्रता की और उसे घर से निकाल दिया। जबकि मकान मालिक का कहना है कि महिला ने बिजली का बिल नहीं दिया है, इसी को लेकर कहासुनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र में पलायन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बुर्रका गांव के लोग पुलिस की नाइंसाफी और दबंगों के डर से गांव छोड़ने को मजबूर हैं। मामले में एएसपी का कहना है कि जांच के बाद परिवार को जरूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। त्रिवेंद्र सरकार अब जल संरक्षण के लिए नया कदम उठाने जा रही है। जल बचाने के लिए सामाजिक संगठन के साथ साथ शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से जल बचाव का काम किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे ताकि जल को बचाया जा सके। टिहरी के नगावर गांव के लोग बगैर किसी सरकारी मदद के दम तोड़ रहे प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण और प्रधान ने मिलकर पुराने प्राकृतिक स्रोत को संरक्षित किया है। संरक्षित किए गए प्राकृतिक स्रोत से लगभग 150 से 200 परिवारों को शुद्ध पानी की जरूरत पूरी होती है। हरेला पर्व पर हरिद्वार की ज्वालापुर मंडी समिति परिसर में पौधारोपण किया गया। उत्तराखंड में 16 जुलाई तक हरेला पर्व मनाया जाएगा। केंद्र सरकार की पहल के बाद पासपोर्ट बनवाने वालों की होड़ लगने लगी है। उत्तराखंड रीजन के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में मई तक करीब 47,955 लोगों के आवेदन मिले हैं और रोजाना देहरादून के कार्यालय में 350 से 400 लोगों के अपॉइंटमेंट रहते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा, जिसको देखते हुए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के इंतजाम नए सिरे से किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के लिए गंगोत्री धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगोत्री धाम के अंदर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। कांवड़ सीजन में अक्सर दर्शन करने में कांवड़ियों की वजह से भारी भीड़ हो जाती है, जिसको लेकर गंगोत्री 5 मंदिर समिति ने पुलिस प्रशासन से गंगोत्री धाम में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर कमिश्नर और आईजी ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कांवड़ मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसके चलते सोशल मीडिया के तहत भी चालान होना शुरू कर दिया गया है। अगर आप कानपुर में बिना हेलमेट के चलते हैं और वो पिक सोशल साइट पर अपलोड होती है तो उस पर ऑनलाइन चालान होगा और वो भी सीधे आपके घर पहुंचेगा, जिसकी निगरानी ट्रैफिक लाइन में बने कंट्रोल रूम से होगी।
नैनीताल की नैनी झील में एसडीआरएफ के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए इस अभियान को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा और जवानों का हाथ भी बटाया। जवानों ने लगभग 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में नैनी झील से ढेरों कबाड़ निकाला। कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास का वन क्षेत्र में बीते 4 सालों में 15 लेपर्ड की मौत हो चुकी है। 4 साल के अंदर इतने लेपर्ड की मौत से वन महकमा सकते में है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। मुरादाबाद में सड़क किनारे खेत में लोगों ने 1.5 घंटे तक नागिन के डांस का आनंद लिया। कुछ युवकों ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में 9 में से 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है, वहीं न्यूजीलैंड को इतने ही मैच में सिर्फ 5 जीत मिली है। मैनचेस्टर में आज बारिश की संभावना है। अगर आज बारिश की वजह से मैच नहीं होता तो दोनों टीमें 10 जुलाई को मैच खेलेंगी, लेकिन बुधवार को भी अगर बारिश की वजह से मैच नहीं होता और बिना टॉस किए ही रद्द होता है तो ज्यादा पॉइंट्स होने की वजह से टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी। वर्ल्ड कप में 2003 के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारत 2 बार ये खिताब जीत चुका है, लेकिन कीवी टीम अब तक एक बार भी खिताब तक नहीं पहुंच सकी है। दोनों टीमों के बीच 106 मैच खेले गए हैं, इनमें से 55 में भारत और 45 में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। भारत ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 2295 रन बनाए हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 1674 रन ही बना सकी है। उसने भारत से 621 रन कम बनाए हैं। इतने रन बनाने में न्यूजीलैंड के 51 विकेट गिरे हैं। शतकों के मामले में भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड से आगे है। टीम इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में 7 शतक लगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए संगम नगरी प्रयागराज में प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी है। प्रयागराज के क्रिकेट प्रेमियों ने मैच से एक दिन पहले ही दरगाह पर चादर चढ़ाकर टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी। क्रिकेट प्रेमी इस मौके पर हाथों में तिरंगा और भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर लिए हुए थे। यहां के क्रिकेट प्रेमियों को इस बात का पूरा यकीन है कि उनकी दुआ जरूर कबूल होगी और विराट की सेना सेमीफाइनल के साथ ही वर्ल्ड कप भी जीतने में कामयाब होगी। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में हो रहे विश्व कप में अपना धमाकेदार प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए है। इस बीच टीम इंडिया और अपने पति विराट कोहली को चीयर अप करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी इंग्लैंड पहुंच गई हैं। हाल ही में इन दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अनुष्का शर्मा ने इस तस्वीर में ब्लैक रंग की ड्रेस पहनी है, वहीं विराट लोअर टी शर्ट और हरे रंग की जैकेट में नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड से होने वाले मैच से पहले ये दोनों साथ में घूमने के लिए निकले थे। अनुष्का इससे पहले भी कई मौकों पर विराट को चीयर करते नजर आ चुकी हैं। स्पोर्ट बॉय से बातचीत में प्रिंस नरूला ने कजिन की मौत की वजह बताई है। प्रिंस ने भावुक होते हुए बताया कि रुपेश परिवार के साथ समंदर पर गए थे। परिजन तो आ गए, लेकिन वो दोस्तों के साथ वहीं रुक गया। तभी कार निकालने के लिए रुपेश का दोस्त बाहर आया। उतनी देर में आवाज आई, डूब गया। वो भागा, लेकिन 20 मिनट तक रुपेश नहीं मिला और डूबकर उसकी मौत हो गई। टीवी की पॉपुलर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी को 3 साल हो गए। तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने अस्पताल में सेलिब्रेट की, क्योंकि इस दिन विवेक अस्पताल में भर्ती थे। यहीं पर दोनों ने परिवार के साथ अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की। विवेक की फैमिली ने उन्हें सरप्राइज दिया और दोनों के लिए अस्पताल में केक लेकर पहुंचे। दिव्यांका ने केक काटते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एक फोटो में विवेक और दिव्यांका पूरे परिवार के साथ नजर आ रही हैं और दूसरे फोटो में एक कपल हाई फाइव कर रहा है। जजमेंटल है क्या कि सॉन्ग लॉन्चिंग के मौके पर कंगना से ज़ायरा वसीम मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, इसलिए काम करें और कोशिश करें, अपने आसपास के माहौल को पूरा करें। किसी भी धर्म की जरूरी मूलभूत आवश्यकता को आपको सशक्त बनाना है, ना कि आपको अलग करना।